ये कितना प्यारा बना रखा है यार सामने। अरे बूबू बड़ा अच्छा कुकुर ला रखा है यार। जय बैजनाथ धाम की। क्या सुंदर लग रहे खेत यार। तो भैया फाइनली पंखड़ी खाना। कितना टाइम हो गया आपको? 27 दिन हो गया। सबसे पहले आप लद्दाख गया? ये लेवल 1 का पासपोर्ट चैलेंज था। तो भैया अपना स्टैंपिंग का काम तो हो गया है। आई एम थिंकिंग समय तो बहुत है मेरे पास, मैं चाहूँ तो वापस जा सकता हूँ घर पर मेरे को इतना पेन लेना नहीं है। मेरी बैक पता नहीं क्यों पेन कर रही है, पता नहीं क्या बात है। राइड के फर्स्ट दिन कुछ ना कुछ नाटक रहता ही है यार। फाइनली हो गया अपना काम। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, इसका मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे ही रखा है, और वो जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैं आई बटन में शेयर कर दूँगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड फर्दर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज और दूंगा, और साथ में ही ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्चुअल में अपने को क्या क्या करना होता है। बाइक स्कूटी तो जाती होगी, इसमें लौटना कहाँ से होता है फिर ना। बाइक तो जाती होगी साइड पता चला 1000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया हो गया लग गया काम। दो पुल हैं। ओके ओके ओके। ये कितना प्यारा बना रखा है यार सामने। वाह देखो एक नंबर भाई, एक नंबर। एक्चुअली बागेश्वर के होटल्स का यार मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है जय बजरंग बली की, दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। जय गौ माता की। तातू, हमें भी एक तातू और बनवाना है यार यहाँ पर हाथ में। वैसे दो बनवाने इनफैक्ट, पर एक तो बहुत टाइम से पेंडिंग है। होटल राजदूत मजा नहीं है। होटल सिद्धार्थ, सिद्धार्थ धाम। कोशिश तो की है इसमें बनाने की भाई। वैसे एक बात तो होती है यार, ये गाड़ी क्या खतरनाक चीज़ होती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है आपको। पिंडारी ग्लेशियर 87 किलोमीटर भाई, जाना है यार इस साइड। अरविंद सर ये सब करने हैं अपने को, साथ में करेंगे अपन। दम है अरविंद सर में, बंदा बहुत लंबा लंबा खींच लेता है यार, वो भी यार थंडरबर्ड में। तेल भी सोख लिया थंडरबर्ड की सीट ने उधर पे खेत, कहीं पर भूरा कहीं पर हरा भाई। यहाँ पर धान की बुआई हो रखी है, क्या खूबसूरत नज़ारा आ रखा है देखो, एक नंबर, एक नंबर मौसम का भाई, एक नंबर। फुल टैंक कर दो। ये डंडी देखना हल्के में चालू करना, वरना ये पानी, वो पानी कह रहा हूँ तेल फेंकाएगा। ये डंडी गलत जगह है ना। ये सामने को गया आपका ग्वालदम को रास्ता, और ये हो गया बैजनाथ आपका, बैजनाथ बैराज झील। इधर पे कुछ तो बना रखा था क्योंकि इन लोगों ने गाड़ियाँ खड़ा करके छुपा दिया है। अरे बूबू बड़ा अच्छा कुकुर ला रखे हो यार, कहाँ से लाए हो? ये बागेश्वर का है, उधर मंडेश्वर का है बूबू ये। अच्छा है, है? ये वहाँ का मंडेश्वर का है। अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है चलो नमस्कार। ये पार्किंग है भाई, अच्छी खासी पार्किंग है इनफैक्ट, और यहाँ हो गई झील। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, सेटलिंग का करते हैं हम इंतजार, क्यों नहीं आती है ये ऑफ रोड बार बार। जाओ देखो भाई यहाँ से दिख रही झील, एक नंबर। और ये रहा बैजनाथ मंदिर, जय बैजनाथ धाम की। वाह यार क्या बढ़िया सा व्यू आ रहा है यार इधर का, सुंदरम लग रहा है ये। क्या है भैया गरुड़ का मार्केट, यहाँ ट्रेनिंग देने आता था एक टाइम में मैं। ठीक ठाक मार्केट है यहाँ का, क्या सुंदर घर बनाए हैं यार लोगों ने यहाँ, क्या बात है भाई।
भैया रोड कंप्लीट हो गई है। मार्च में आई गेस गया था मैं, हाँ मार्च में ही तो गया था। मार्च में तो ये रोड कंप्लीट नहीं थी। भैया देखो क्या सुंदर लग रहे खेत यार, खेतों में काम हो रहा है। जय माता दी भाई। ये जगह का नाम बड़ा ज़ोरदार है, जगह का नाम है दियोराड़ा। दियो का मतलब होता है बारिश, तेज बारिश। राड़ा मतलब फिसल जाना, मतलब बारिश में जो फिसल गया वो दियोराड़ा। अच्छा लग रहा है रिजोर्ट तो वैसे। लो भैया कौसानी तो पहुँच गया हम। चाय वाय पी लेता हूँ और एक समोसा खा लेता हूँ। समोसा खाने का मन कर रहा है हमारा। रानीखेत रास्ता कभी रुका भी नहीं, तो रानीखेत रुकने की पूरी संभावना है। अब बहुत सुंदर जगह है भाई। इधर चाय पाने के लिए रुक जाते हैं, यहाँ पर काम भी लग गया बहुत। तो भैया फाइनली पंखड़े खाना, डुबके झोली प्लस राजमे की सब्जी और ये थोड़ा सैलेड चावल के साथ। चलो भैया अब बढ़ते हैं यहाँ से, और ठंडा हो रहा है तो ग्लव्स भी निकाल ही लेता हूँ और बढ़ते रहेंगे। पेट तो भर ही गया भैया। यहाँ के फेमस जो लोध में वो है रेस्टोरेंट, वहाँ से खाना भी खा लिया। भैया ये आने वाला रवाड़ी। दाजू रानीखेत ये शॉट है, जाता तो ये भी है। हाँ ये लंबा हुआ ना, थैंक यू। ऊपर वाला रास्ता गया भैया दौराहाट को, 18 किलोमीटर है, और ये गया आपका रानीखेत को। रानीखेत भी 18 ही किलोमीटर होना चाहिए आई गेस, 16 किलोमीटर भैया। रानीखेत कम है कम। अब बढ़ रहा हूँ रानीखेत की तरफ। नीचे यार बहुत बढ़िया प्रवचन लगे हैं। बहुत सुंदर। चलते हैं भैया। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है, थैंक यू की जगह राम राम जी बोल दिया करो। गुड सजेशन आई गेस, इस बहाने भगवान का नाम आएगा उतने बार। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोग ये जो सीरीज़ है उसको बहुत प्यार दे रहे हो। जो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा का था, बेसिकली इट्स अ रोड टू कैलाश मानसरोवर, सो इट्स अ न्यू रोड। न्यू रोड क्या बोले, रोड तो बहुत पहले से थी पर कभी उसमें काम नहीं हुआ था। अभी ये फाइनली ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट ओनली द वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल द बॉर्डर्स। जो लोग वहाँ के थे वो बहुत परेशान हो चुके थे ऑलरेडी, उनको कोई भी बेसिक से बेसिक ज़रूरत के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना पड़ता था, 40-40 किलोमीटर जाना पड़ता था, बिकॉज रोड वॉज नॉट देयर प्रॉपर। हाय बहुत लंबा आ गए आप। यू नो हिंदी? वेट अ मिनट, यू स्पीक हिंदी? हाँ अंडरस्टैंड ऑल्सो राइट? बहुत लंबा आ गए आप लोग। इस जी एन सी मोटो व्लॉग्स। हाय अभिषेक, योर नेम? गोवर्धन। गोवर्धन, तो अभी आप कहाँ कहाँ से आ रहे हो? अभी लद्दाख से आ रहे। लद्दाख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अरे दैट्स वेरी ग्रेट यार। कितना टाइम हो गया आपको? 27 दिन हो गया। 27 डेज। सबसे पहले आप लद्दाख गया? लद्दाख जाने के लिए पहले दिल्ली वाला रूट पकड़ा कैसे? दिल्ली से पठानकोट, दिल्ली से कटरा। अच्छा अमृतसर। हाँ नेक्स्ट कटरा। हाँ सोनमार्ग, कारगिल, नेक्स्ट लेह, राइट एंड एग्जिट मनाली। एंड अभी वाराणसी, नासिक, उत्तर प्रदेश, यूपी। वेर? नासिक,
काशी वाराणसी. ओके 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 वेरी गुड ऑल द बेस्ट. सो आपका हॉल्ट कहाँ है आज का? ओके परहैप्स यू विल बी रीचिंग हल्द्वानी बाय दैट टाइम आई गेस. ओके चलो ऑल द बेस्ट यार ऑल द बेस्ट. चलो सी यू. सो भाई इतना लंबा चला रहे हैं यार गजब है. जय जवान जय किसान. बाइक्स तो जा सकते होंगे. ये लेवल वन का पासपोर्ट चैलेंज था जो मेरा कंप्लीट हो चुका है. उसमें उत्तराखंड में एक्चुअली पीजी था जहाँ से स्टैम्प लग सकता था, मतलब जो मेरे को पास पड़ रहा था वो था बागेश्वर और 1200 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो गए थे तो मैंने इसमें कर लिया. और ये मेरे सारे के सारे रसीद वगैरह हैं, जैसे मैंने कहाँ पर कौन सी राइड की, ये सारी डिटेल इसमें लिखी रहती है जो मेरे को देनी है. अब मैं इसको भेजूंगा. फाइनली ये डन हो गया है एंड वी आर ऑन फॉर नेक्स्ट चैलेंज. हम इसको कोरियर कर देता हूँ ताकि मेरा ये पासपोर्ट चैलेंज का जो रिकॉर्ड है वो पहुँच जाए bikersclub.in के पास. थैंक यू.